दिक्कत नहीं रहता है सर, बहुत जल्दी जल्दी इनके मतलब अच्छे कंपनी में थे सर, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, वेल सेटल्ड थे जॉब में, बट ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ पता नहीं कि 6 साल में 2 बार प्रमोशन भी हुआ इनको, और ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ पता नहीं, फिर छोड़ दिया जॉब और 3 महीने के नोटिस पीरियड में भी नहीं गया, बस नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। जाने का मन नहीं कर रहा तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है देखो, इनका काम करने का मन नहीं कर रहा तो नॉर्थ ईस्ट में देखो। तभी तो वहाँ पर मतलब जैसे वॉशिंग नॉर्थ ईस्ट में सर बेटी का बेडरूम था सर, अब क्या है? अभी तो अभी भी वही है सर नॉर्थ ईस्ट, हाँ बेडरूम और ड्राइंग रूम आधा आधा है सर। क्या है वहाँ पर देखो ना, क्या कलर कौन सा है, क्या है? आपने वास्तु सीखा है तो इतनी बारीकी को पकड़ो ना। सर इतनी बारीकी से नहीं सीखा है जितनी बारीकी से आप बता रहे हैं, वो मोटा मोटी मतलब रेमेडियल पे ज़्यादा चला गया, कलर्स का थोड़ा एंटी कलर्स का बताया था उन्होंने, क्या है वहाँ तो पर, कलर कौन सा है, चादर कौन सी बिछी है, वो क्या है वहाँ पर? सर ब्लैक और ब्लू कलर की वुडन फर्नीचर है, ब्लैक और ब्लू कलर का कवर लगा हुआ है, और जो रूम है उसमें ऐसे पूरा करो ऐसे करो, आप अपने घर वाले की फ़ोटो ना नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, हो जाएगी सेटिंग। ऐसा नहीं है, नहीं होगा। अगर आप पहले बोल रहे थे वॉशिंग मशीन है नॉर्थ ईस्ट में। सर, वो मकान तो छोड़ दिया ना सर, अभी इस नए मकान में आए हुए 1.5 महीने हो गए सर। अभी अभी नए मकान का स्ट्रक्चर बन तो लेने दो ना अपने माइंड में, अभी एक मिनट में थोड़ी ना हो जाएगा मकान। अभी जो किराए वालों को मकान है ना, साल से 1.5 साल में रिजल्ट देता है, पहले नहीं देता। हाँ, और सर दूसरी बात बेटी का पूछना था थोड़ा, अभी वेट कीजिए, अभी आपने उस दिन समय लिया था, अभी औरों की थोड़ी सी आ लेने दीजिए। अच्छा हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ हेलो सर, जी मैडम, बोलिए सर मुझे ना अपने हस्बैंड का पूछना है, बोलिए बोलिए। डेट ऑफ बर्थ दूंगा सर आपको। हाँ डेट ऑफ बर्थ ऐसा है मैडम, आप एस्ट्रो सेज कुंडली पर जाएं, कुंडली जी बनाकर मेरे को व्हाट्सएप कर दें, तो फिर मैं देख लूँगा। जितना टाइम मैं बनाने में लगाऊंगा उतना टाइम अच्छा मैंने सेशन भी लगाने हैं। अगर आपको ठीक प्रॉब्लम है। क्या आ रही है उसका हल निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इतने साल हो गए, मैं फॉरेन जाना चाहते हैं तो जा नहीं रहे, 2 बार गए हैं तो फिर वापस आ गए हैं, तो अब भी वही है कि अभी बाहर जाना है तो सेटल। नॉर्थ ईस्ट में आपके घर वाले की फ़ोटो लगी हुई है, डायरेक्शन की नॉलेज है? नहीं इतनी नहीं, मुझे वास्तु नहीं आता। आप कहाँ से हो? मैं जालंधर से हूँ, सुबह मैंने आपसे बात की थी। ठीक 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 चलो ऐसा कीजिए कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। आपको कुंडली बनानी तो आती है ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ, बहुत तो आती अभी है। व्हाट्सएप कर दो, फिर क्या टेंशन है, फिर तो अभी देख लेते हैं। अगर जिनको नहीं बनानी आती फिर उनकी तो प्रॉब्लम तो है ही। सेंड कर देती हूँ। एस्ट्रो सेज पर बनाकर केपी कुंडली सेंड कर दो, मैं कर लूँगा, केपी से देख लूँगा। वैसे आप अपने घर की ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखो। ऐसे तो है नॉर्थ ईस्ट में ना वॉशरूम बना हुआ है लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते, वो रूम बना हुआ है लेकिन उसको इफेक्ट यूज़ नहीं इफेक्ट करते। इफेक्ट तो देगा मैडम। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं ऊपर रहती हूँ और वो इन-लॉज़ का रूम है तो मैं तो उनको छेड़ती भी नहीं है, ऐसी बात है इफेक्ट तो करेगा तो ना। किचन एक एक अलग अलग है, आने किचन भी ऊपर मेरी अलग है, ऊपर रही बना हुआ नॉर्थ ईस्ट। ऊपर भी थोड़ा सा कट है और एक में नॉर्थ ईस्ट में तो वॉशरूम है और रूम है अटैच है दोनों। तो आप उसको पहली तो वहाँ पर देखो, नॉर्थ ईस्ट में आपके हस्बैंड की पिक्चर पड़ी होगी, वो वापस क्यों आ जाते हैं, उसका कारण क्या है वो देखो ना। नहीं पड़ी सर क्योंकि रूम ही लॉज का ना तो मैं उनके रूम में आपके जाती हूँ। इन लॉज की बात नहीं कर रहा, आपके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। उनकी फ़ोटो कहाँ पर पड़ी है घर में वो देखो। आप मान के चलो कुंडली में मैंने बता दिया कि आप अगले अगले हफ्ते जाओगे। उनकी पड़ी है वेस्ट साउथ में पड़ी हुई है हाँ, लगी तो फोटो। वो गलत है ना। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर फोटो पड़ी हो तो आदमी वो सेविंग्स की दिशा है, उनको घर बुला लेता है। जो लोग घर से भाग जाते हैं ना, हम उनकी फ़ोटो वेस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाते हैं कि वो वापस आ जाए। आप इनकी अच्छा फ़ोटो नॉर्थ वेस्ट में लगाओ,
ये बाहर से वापस नहीं आएंगे। पर सर नॉर्थ वेस्ट में जगह ही नहीं है लगाने की, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो सीढ़ियों के आगे जो बना होगा जोन उस पे, उसके ऊपर लगा दीजिए, उसके आगे लगा दिए दीवार होगी, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, अपने रूम के नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, ऐसी कौन सी बात। अच्छा रूम के भी ऐसा नहीं है सीढ़ी, ऐसा करो ना जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी छोटी फोटो लगा करो चिपका दो वेस्ट से और वेस्ट साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से, उनकी फ़ोटो हटा दो। अगर कुंडली में योग है फौरन जाने के लिए तो घर में नहीं बनेंगे तो नहीं बनेगा। कुंडली में तो है सर, मैंने कहीं से पूछा। हाँ कुंडली में है ना, तो अगर घर में नहीं बना तो, तभी तो मैं लोगों को बोलता हूँ पहले वास्तु का थोड़ा सा एनालाइज कर लो, वास्तु आपको जल्दी रिजल्ट दे देता है। कुंडली तो जो बन गई है बन गई है, जो योग उधर नहीं बनेंगे वो योग उधर बन जाएंगे तो आपका हल हो जाएगा। आपका हस्बैंड वापस क्यों आ रहे हैं, कुंडली वाले बोलेंगे ये तो बाहर का है, तो घर उनको क्यों बुला रहा है वापस, फ़ोटो गलत जगह पर लगी हुई है। उनकी एल्बम भी जितनी फ़ोटो है आप नॉर्थ वेस्ट में जाकर रख लो, आपका हल हो जाएगा। फिर भी आप कुंडली भेजना चाहते हो तो भेज दो, मैं देख लूँगा। ओके ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर मैं पूछ सकता हूँ क्या? सर पूछिए, बताने के लिए तो बैठे हैं सर। सर सर मैं नड़िया से अमरीश पंड्या। हाँ जी से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि नया घर बनाया तो उसका वास्तु एक्टिव कब होगा, अच्छा या बुरा जो भी है? वैसे तो 1.25 साल में मकान एक्टिव हो जाता है अगर नए घर में, अगर आपने कौन से समय में बताया बनाया, अगर आपने कुंडली देखी है दिखाकर बनाया है तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है वो बेटर रहेगा। और उसके बाद आपने कौन से महीने में बनाया उसको देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे आपने वाटर बोरिंग कहाँ पर करी है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे आपने जो घर का मेन गेट है वो कहाँ पर रखा है, उसके बाद 4 फुट की दीवार होगी तो हमारे 5 देवते एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद जब हमने 8 फुट की दीवार कर दी तब हमारे 8 देवते एक्टिव हो जाएंगे, 13 देवता टोटल एक्टिव हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा जब हम छत डाल देते हैं तो फिर हमारे 45 देवता एक्टिव हो जाते हैं। आपने क्या किया किस समय में किया ये तो आपको ही पता है ना। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी सर बोलिए। और कुछ कोई क्वेश्चन सर आपका? अमृतसर क्या प्रॉब्लम क्या है सर आपको ये बताओ। अमृतसर सर ये प्रॉब्लम तो ये है कि नए घर में आए 10 साल हो गए और नए घर में आने सर सर नए सर नया घर कैसे हुआ 10 साल हो गए तो? नहीं नहीं नहीं, पुराना मकान था उसको तोड़ के नया फिर से बनाया। और रेनोवेशन किया होगा? हाँ नहीं नहीं, पूरा बेस से ही चालू करके नया बनाया। तो उसके बाद मेरा खुद का थम गया है, बाकी मेरा ब्रदर वो भी मेरे साथ में ही रहता है, वो उसकी वाइफ वो सब चलता रहता है, पर मेरा खुद का ब्लॉक हो गया है। क्या ब्लॉक होगा? मार्केट में मनी ब्लॉक हो गया? मेरा मार्केट में मनी ब्लॉक, मैंने धंधा दिया था मेडिसिन का वो भी कवर हो गया कोरोना आया। फिर मैं न्यूमरोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी का कंसल्टिंग भी मैं करता हूँ, और उसमें क्या होता है कि 10-15 दिन अच्छे कस्टमर आते हैं उसके बाद दिखते नहीं, फिर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, मतलब कि जो एक फ्लो में चलना चाहिए वो नहीं चलता। मैं किसी विद्या को गलत नहीं बोलता, मैं कभी किसी विद्या को गलत नहीं बोलता, ना न्यूमरोलॉजी ना टैरो कार्ड रीडर, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, पर मेरा कहने का मतलब है कि वास्तु आपको 24 घंटे रिजल्ट देता है जी। एक बार आपने मकान सही तरीके से बना लिया ना तो वो कोई भी दशा आई जाए, कोई भी दशा आ जाए वो आपको खराब नहीं करेगी। वैसे मेरे तो जुपिटर की दशा चल रही है सर, उसमें भी कुछ फायदा नहीं, जुपिटर मेरा पंचम स्थान में उचका है। लगन लगन कौन सा? कर्क राशि का मीन लग्न है सर, और 5वें में जुपिटर बैठा है कर्क का, वक्री है वो,
और 11वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र है, लग्न में शनि है 2 डिग्री का, और चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है दूसरे स्थान में, धन स्थान में, वो एग्जैक्टली है 19 और 21 डिग्री का, तो एकदम टाइट कंजक्शन है। अभी एस्ट्रोलॉजी का शौक तो मुझे बचपन से है, ये मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कुंडली भेजो जी सर। आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आती है? केपी मुझे तो समझ आती है, आती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ पर मैंने कभी उसको सीखा नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी तो क्या, मैंने बहुत, मैं 10वीं साल में था तब से बुक पढ़ रहा था मेरा। फिर आपने आपने लाइन क्या पता गलत चुन ली हो। आई डोंट नो सर। आपको एक बात बताता हूँ, अपनी अपनी बताता हूँ। हाँ जी। राहु मेरा 11th हाउस में है जी। कन्या लगन है मेरा, राहु मेरा 11th हाउस में है, तो क्या मेरे को हर 5 से 7 साल में बिजनेस बदलना पड़ता है? आपने बोला आपने मेडिसिन का काम किया, बुध आपके 11th हाउस में है, 10th हाउस में कौन सी राशि आती है? 10th में धन राशि आती है, 9 नंबर राशि आती है ना। आप 9 नंबर राशि वाला काम करते तो बेटर था। आपको निगेट कर रहा है 10th हाउस, बात समझो, निगेट कर रहा है आपको 10th हाउस। आपने टाइम लाइन गलत चुन लिया मेडिसिन का। अभी आप गुरु का ज्ञान देने वाले हो, गुरु की दशा में आपने क्या किया, मेडिसिन का काम किया, ठीक है ना, बुद्ध का काम किया, तो आप गुरु का ज्ञान देने वाला काम करते हो जैसे हम कर रहे हैं, तो आपको देखना था आपकी ऊंचाइयों पर आप कहाँ पर होते हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ सर? बिल्कुल सर कर सकते हो। थैंक यू सर। क्या बात है सर, आप यही तो मैं बताना चाहता हूँ। आप बोलते गुरु की दशा ने दिया नहीं, मैंने कहा गुरु की दशा आदमी को बना देती है। सर वक्री शक्री कुछ नहीं है, मान के चलो राहु की दशा आ गई, गुरु की दशा आ गई या शनि की दशा आ गई, क्या करोगे आप? 20 साल वेट करोगे काम करने? तो फिर यही तो मैं सिखाता हूँ सर, यही तो मेरी पॉलिसी है सिखाने की। मैं तो कहता हूँ जिसकी मर्जी दशा आए उसके जैसे बन जाओ, गिरगिट की तरह रंग बदल लो बस। अरे वाह सर, सही बात है ना। आधी क्लासेस तो मैं आपकी यहीं पर लगाकर सेट कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिन में फ्री फ्री क्यों रखा हुआ, उसका कारण यही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इम्प्रूविंग हो जाओ, कर दूंगा, मास्टर बना दूंगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से फ्री में सीख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर भी आपको मास्टर बना दूंगा। आप क्या सोचते हो चंद्र की दशा ही 6 साल सा, सूर्य की 7 साल 10 साल चलेगी, वो क्या है, आप उसके जैसे बन जाओ। जी जी जी। अगर आप उसके जैसे बन जाओगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगी, ये पॉलिसी क्या है, कैसे किया मैंने सर। ये कोई भी दशा आती है तो आपको सिखाने के लिए आती है, सही है सर। चाहे वो शनि की आ जाए, चाहे वो बुध की आ जाए, चाहे वो गुरु की आ जाए, तो थोड़ा सा आप बोल रहे हो 20 साल से मेरे को इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कैसे आ गया, वो जन्म जन्मांतर ही है। जी सर मेरा तो एज 55 साल का है अभी। मैंने पूरा जिंदगी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, फिर एरिया मैनेजर बना, फिर रीजनल मैनेजर बना, और ये 10 साल से सब चौपट हो गया। अगर मान चंद्र आया ना बिगड़ गया सर। आपको बताता हूँ राहु में सूर्य क्या था। आपने लोगों को पैसा कमा कर दिया, खुद चलाकी से कॉस्मेटिक अपना ब्रांड रेडी करते मेडिकल का, तो फिर आपने बनना था। राहु क्या है, चलाकी। सही है, आई बात समझ में ना। आपने वो नहीं किया, आपने लोगों को पैसा कमा कर दिया, खुद नहीं कमाया, उस ब्रांड खुद बना लेते। क्यों? क्योंकि आप लोग रिस्क लेने से डरते हो, कर्क लग्न वाले सेंसिटिव होते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं। नहीं लगना। हाँ मीन लगन हो गया तो 5th हाउस में बैठा है ना, उसमें शनि भी बैठा है। हाँ तो रिस्क लेने से कभी डरो मत। सर मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, पर जब भी रिस्क लेता हूँ तो सब उल्टा ही आ जाता है।
चलो अब मेरे को एक बार कुंडली भेजना, मैं देखूंगा रिस्क कैसे लेते हैं। हाँ मोस्ट मोस्ट वेलकम सर, आदमी को रिस्क लेना चाहिए, मैं भी रिस्क ले रहा हूँ। आप जुड़ो मेरे साथ, चैनल को देखो, मेरे चैनल को देखो, विवान वास्तु पाठशाला सब्सक्राइब करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। आप किसी कल आपका वीडियो भी देखा था, कल आपका जो था ना लाइव, तो मैंने रिकॉर्डिंग में देखा, पर वो भी देखा था मैंने, पर जब पता चला तो सुबह मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पर अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। कोई बात नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। आज भी अभी मैंने डेली चैनल पर आऊँगा, एक से दो, कोई इशू नहीं है। जो आपके मन के वहम है ना, वो सारे क्लियर करूँगा। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। नमस्कार। हाँ जी मैडम, प्रणाम। सर मेरे को भी पूछना है। आपको एक बजे बताऊंगा सभी के सामने। नमस्कार जी। नमस्कार करना मैडम, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैंने वो सेंड किया था आपको। देख लेता हूँ मैडम, थोड़ा सा समय दीजिए, देख लें। हाँ जी भैया। हाँ जी मैडम, बोलिए बोलिए। सरिता मैडम जी हमारे पास आए हैं आज। मैं एड्रेस भेज दी, सुंदर नगर। आज किसी की, अगर आज किसी ने क्लास मिस कर दी तो बहुत गलत बात है। मैडम रेडी हो आप? सरिता मैम सर, दो मिनट और आप बात करो। ठीक है ठीक है, चलो ऐसा है। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मैंने ना आपको चार्ट भेज दिया, केपी चार्ट। मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। आज हमारे साथ सरिता मैम बॉम्बे से जुड़ी हुई हैं। सरिता मैडम बॉम्बे से जुड़ी हुई हैं, आपको क्या करना है मैडम? समय बस थोड़ा सा रहेगा आपके लिए, 11 से 11:15, 11 आधा आधा घंटा है, उसके बाद मेरी आज बैचेस काफ़ी हैं। आज क्या है, कोई नहीं मैडम, आपको सब कुछ बता दूंगा, आप फिर भी क्लास है मेरी, आप वैसे भी पूछ लोगे तो। आपका नाम लिप्सा मैडम, आपने लिप्सा लिखा हुआ है, तो मैडम बता दूंगा मैं आपको क्या होगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बोलना है किरण मैडम, तो मैडम आपका ये प्रोडक्शन करेंगी आपके मोबाइल से आपको क्या है। आपने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बोलना है मैडम को, बस और कुछ नहीं बोलना है, मैडम आपकी प्रोडक्शन कर देंगे। तो सरिता मैडम आपका नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी, मैं सरिता चौधरी मुंबई से बोल रही हूँ। मैं आज आप लोग के लिए मोबाइल प्रोडक्शन लेके आई हूँ। जैसे कि मोबाइल नंबर अपने पास 24 घंटे होते हैं, उसमें भी नंबर होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अफेक्ट करते हैं, तो कुछ एक नेगेटिव नंबर से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके मोबाइल नंबर अच्छे हैं कि नहीं हैं। अगर कहीं उसमें प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो मैं उसका उपाय दे देती हूँ, और अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट